अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये वीडियो जो लास्ट मैंने ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट किया है। तो जी यहाँ पर हम रात को जिस रात पहुँचे थे कैफिंग, तो वहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया। तो उसके बाद जी यहाँ पर हम अपने अपार्टमेंट आ गए थे। वो अपार्टमेंट जहाँ पर हमने खाना खाया था वो उमेर के, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं उनके दूसरे फ्रेंड का था, और ये यहाँ पर जो हम स्टे कर रहे हैं ये दूसरे फ्रेंड का, उन्होंने अपार्टमेंट हमें दे दिया था फुल खाली करके कि आप लोग यहाँ पर आराम से रह लें। तो यहाँ पर देखिए, सुबह उठी मैं जब मॉर्निंग, तो इतनी खुशगवार सुबह थी, धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से भी मैंने कहा चले आपको व्यू देती हूँ। चले बाय बाय। अब मामून की बारी है, अब मामून अपना शौक पूरा कर रहा है। भाई को मेरे से भी ज़्यादा गिटार अच्छा लगता है। हाँ, मामून को ये देखे ईसा से भी ज्यादा मामून को अच्छा लगता है गिटार, है ना मामून। ये देखिए ईसा को क्या मिल गया यहाँ पर, वाटर गन। तो ईसा से अब शुरू है वाटर गन से। वाटर गन में पानी तो है नहीं, पानी भरा। हमने बस अभी नाश्ता वगैरह किया है। तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर सामान वगैरह पड़ा है, बस ये मैं सारा कुछ उठाती हूँ, साफ करती हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं। लावा केक पड़ा है, यहाँ पर हम बस में जा रहे हैं कि डॉक्टर इरम की तरफ हम आए हैं। पहले हम ये हमारी तरफ आई थी वेकेशन पे, तो अब हम आए बस में बैठ चुके हैं हम। नहीं चल सकती वहाँ के, यहाँ पर हम बाहर निकले थे सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो हमने कहा चले, नहीं फर्स्ट डे था हमारा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं आपको ना अपनी यूनिवर्सिटी ले जाता हूँ जहाँ पर मैं पढ़ता था। और ये देखिए ये काइफंग वॉल है, ये इस तरह की वॉल हर सिटी में होती है, चाइना वॉल के नाम पर मशहूर है ये काइफंग वॉल। हर सिटी की अपनी अपनी वॉल होती है। तो यहाँ पर देखिए इतना रश था क्योंकि वेकेशन डेज थे और फेस्टिवल जगह जगह पर इन्होंने लगे हुए थे। और देखिए इतना ज़्यादा रश था। और जी यहाँ पर पार्क और डिफरेंट हमें तो चीज़ें नज़र आई, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ कि हम यहाँ बस में मैं बैठी हुई थी आगे आगे, तो ये मुझे मौका मिल गया था। तो मैंने जो है ना वीडियो बहुत सारी कैप्चर की थी, बहुत सारी। तो यहाँ पर देखें पार्क के सामने किस तरह से रश है, इतना रश था तो हम तो बिल्कुल पार्क जा ही नहीं पाए, जबकि दिल बहुत ज़्यादा था हमारा कि हम पार्क जाएं, जाकर देखें, वहाँ विजिट करें और यहाँ अंदर इनके पार्क कैसे होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जाना हुआ। फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। ये हस्बैंड की ये जो है यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ये आगे इतने सारे हॉल बड़े बड़े, आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ का विजिट कर रहे हैं। तो साथ साथ मैं आपको भी विजिट कराऊंगी, यहाँ दिखाऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। चले जी चलते हैं अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाकर मिलती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये ट्रेडिशनल इनका बना हुआ है, ये देखिए। हेलो, ये बच्चे और ये डॉक्टर इरम। आज ये देखो चलो यहाँ अब हम अंदर आ गए हैं। ये देखें बस आगे चलते हैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं। अच्छा ये छोटा सा ये देख लो, या पहले उधर चले जाओ, बोतल पर फिर आते हैं। नहीं फिर वो पहले माथे पर ही लगे, माथे पर लगे, लेकिन रंग कलर तो उड़ा हुआ है सबका। ये डॉम है, ये देखिए ये हॉस्टल है।
मेरे हस्बैंड लोगों का ना ये हॉस्टल था डोमेंट्री जो, हाँ पहले ये लोग रहते थे। तो अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसे है। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं जो उनको मिले, आ जा मिले, ये उनको मिले हैं फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम। यहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे जहाँ पर इनका रूम था, तो वो रूम तकरीबन फिफ्थ फ्लोर पे था, तो इसलिए हमें ना यहाँ पे लिफ्ट नहीं होती तो सीढ़ियों से जाना पड़ रहा था। और ये देखिए इनका ग्राउंड वगैरह भी अंदर बना हुआ है, प्लेइंग एरिया भी बना हुआ है, तो यहाँ पर बड़े ये लोग इंजॉय करते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा ये डॉर्म था, मतलब हॉस्टल डॉर्मेट्री, तो बहुत बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत इंजॉय किया। एक उससे आप ठहरो, पहले वाली भी नहीं है, ये और पुराने वाला है। इधर मामू बैठो इनके साथ, चलो भाई।